मेरी अजीज बच्चियों, मेरा सीना दर्द से भर जाता है जब मैं अपनी बच्चियों से खासतौर पर ख़वातीन से मुखातिब होता हूँ। मेरा गम हल्का होने लगता है, मेरी उम्मीद बढ़ने लगती, मेरे अंदेशे पीछे चले जाते हैं। मुझे हाल के ख़तरों के बजाय मुस्तकबिल की उम्मीदें मेरे जहन व दिमाग और एहसास पर गालिब होने लगती हैं। नए सिरे से अज़्म करो, हम किस माहौल में जी रहे हैं। इस माहौल में रहने के लिए अक्लमंदी की ज़रूरत है, इस माहौल में रहने के लिए समझदारी की ज़रूरत है, इस माहौल में रहने के लिए अज़्म व हौसले की ज़रूरत है, इस माहौल में रहने के लिए इस्लाम की गहरी समझ के साथ इस्लाम से अमली वाबस्तगी की ज़रूरत है। इस्लाम सिर्फ कलमे नमाज का नाम नहीं है, इस्लाम सिर्फ दाढ़ी कुर्ते पजामे और बुरके का नाम नहीं है। इस्लाम एक मुकम्मल सिविलाइजेशन है, एक मुकम्मल तहजीब है। शराफत इस्लाम का जुज़, हया इस्लाम का जुज़। अल्लाहु अकबर। यह हया और हिजाब एक जेवर है, जेवर। मैं एक बार दिल्ली से अमेरिकन एयरवेज़ के जहाज़ पर सवार हुआ, सख्त बीमार हालत में था, बुखार था मुझे बहुत तेज़। 3 बजे रात को फ्लाइट में पहुंचा, इस इरादे के साथ कि मैं फौरन आराम करूंगा, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। मुझे जो सीट मिली जहाज़ में, उसमें बगल की सीट पर एक सरदार जी, एक सिख भाई जो फ्रैंकफर्ट से आ रहे थे उसी फ्लाइट से, और उनके आसपास की सीटें खाली थीं, तो वो तो शायद खूब सो चुके होंगे, और वो एक कंपनी की तलाश में थे कि कोई आए मेरे पास सीट पर बैठेगा तो मैं उससे बातें करूँगा। तो वो सरदार जी जो थे, उन्होंने फौरन बातचीत छेड़ी राजनीतिक हालात पर। तो मैंने उनसे मौजू गुफ्तगु को बदल कर इस्लाम पर गुफ्तगु शुरू कर दी, इस तरह के शायद वो शुरू में फील न करें। लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्होंने लंबी लंबी जमाइयाँ लेनी शुरू कर दी। इसका मतलब ये था कि वो बोर हो रहे हैं और ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, ये इस्लाम के बारे में सुनना नहीं चाहते। लेकिन मैं भी बोले चला गया। मार्केटिंग करने वाले को तो सिखाया जाता है, लेकिन अल्लाह को क्या मंजूर था। सामने की सीट पर एयर होस्टेस बैठी थी, रात का वक्त था, कोई सर्विस का वक्त नहीं था। उसने पैसेंजर्स को वेलकम किया, अपनी अपनी सीट पर बिठाया, जहाज़ टेक ऑफ कर गया तो वो भी बैठ गई। जब इस्लाम पर मैं सरदार जी से अपने नेबर से बात कर रहा था, तो उन्होंने उस लड़की ने, अमेरिकन लड़की ने, पलट कर मेरी तरफ देखा और कहा कि सर आई थिंक दैट यू आर टॉकिंग अबाउट इस्लाम। मैंने कहा हाँ, इस्लाम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो उसने कहा कैन आई पार्टिसिपेट इन योर कन्वर्सेशन, मैं भी कुछ बात कर सकती हूँ। मैंने कहा श्योर, वाई नॉट। तो उसने कहा कि मैं इस्लाम के बारे में 1 साल से गौर कर रही हूँ, अब गौर करो, सोचो अंदर अंदर हो क्या रहा है दुनिया में। मैं कुछ पढ़ भी रही हूँ इस्लाम के बारे में, और आई लव, बहुत सी चीज़ें मुझे पसंद हैं, बट कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं बहुत मुझे बेचैन करते हैं, तो मैं आपसे पूछूं। मैंने कहा पूछूं। मैं उस वक्त स्टूडेंट था इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना में, तो उसने मुझसे पर्दे के बारे में कहा। उसने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि ये 50% ऑफ पॉपुलेशन को आप कन्फाइन कर देते हैं बिहाइंड 4 वॉल्स, तो इंसानी डेवलपमेंट में ये बहुत बड़ी रुकावट नहीं है। तो मेरा एक मिजाज है, मुझे मेरे बुज़ुर्गों ने सिखाया कि जब तुमसे कोई सवाल करे तो तुम उस वक्त अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर चुपके चुपके दुआ करना, सवाल भी सुनते रहना, और दुआ ये मांगना कि अल्लाह इसका जो सबसे अच्छा जवाब हो वो आप मेरे दिल में उतार दीजिए, मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ। सुभानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मेरे दिल में एक जवाब ऐसा आया जो उससे पहले कभी नहीं आया था, और मैंने उनसे कहा कि 1972 में आपके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में टेक्सास स्टेट के कैपिटल ह्यूस्टन में एक अजीब वाकया पेश आया था, और वो वाकया इन शॉर्ट बयान करता हूँ कि एक साहबजादे अपने कार में, एक ब्रीफकेस में तकरीबन 20 लाख डॉलर 2 मिलियन डॉलर की मालियत के जेवरात, जेवल्स एंड डायमंड्स लेकर निकले,
और मिडनाइट 12-1 बजे के करीब उन्होंने एक राउंड अबाउट एक चौराहे के पास अपनी गाड़ी रोकी और उस गाड़ी रोक कर वो ब्रीफकेस निकाला और चौराहे पर खोल कर रख दिया। और उसी किनारे एक बिल्डिंग में एक उनका अपार्टमेंट था, उन्होंने गाड़ी पार्क की और ऊपर चले गए और अपनी बैल्कनी से वॉच करने लगे कि अब देखें मेरे ब्रीफकेस के साथ क्या होता है। थोड़ी देर के बाद कोई और साहब आए, उन्होंने देखा, गाड़ी रोकी, इधर उधर देखा, कोई नहीं है, ब्रीफकेस को देखा, सोचा कि $20,00,000 मुझे इस तरह मिल रहे हैं या अप्रोक्सीमेटली। उन्होंने जल्दी से ब्रीफकेस उठाया और गाड़ी में रखी और भाग गए। उसने नंबर नोट कर लिया मालिक ने और पुलिस को इन्फॉर्म किया और अगले चौराहे पर पुलिस ने उनको रेड हैंडेड पकड़ लिया, केस चला। अमेरिकन टेक्सास हाई कोर्ट ने जो फैसला किया, मैंने उस अमेरिकन एयर होस्टेस को वो जजमेंट का खुलासा सुनाया कि मैंने रीडर्स डाइजेस्ट में वो किस्सा पढ़ा था। हाई कोर्ट का फैसला ये था कि असल क्रिमिनल वो नहीं है जिसने चौराहे पर से ब्रीफकेस को उठाया है, असल क्रिमिनल वो है जिसने प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी को ओपन करके चौराहे पर रख दिया। यह आपके हाई कोर्ट का जजमेंट है। तो वो थोड़ी देर के लिए पजल्ड हो गई। मैंने कहा कि आप समझिए कि आपके सवाल का जवाब है। तो कहने लगी कि कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट अ लिटिल फर्दर। मैंने कहा सीधा बात है, इस्लाम के नज़दीक हर फीमेल, हर लड़की और हर औरत बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कीमत की डायमंड जेविल है, इट शुड बी प्रोटेक्टेड। अब अगर कोई लड़की कोई औरत वो अपने आप को ओपन करके पेश करती है तो अमेरिकन कोर्ट के मुताबिक जो लड़का टीस करता है, जो लड़का चीटी बजाता है, वो मुजरिम नहीं है, मुजरिम वो लड़की है जिसने इनवाइट किया है कि आओ गुंडो, आओ समाज के ख़राब लोगों, मुझ पर बुरी नज़र डालो। मेरी बर्दानशी बाहया और बाहिजाब बच्चियों, जानती हो एक इस्लाम के कानून की तशरीह का क्या जादुई असर हुआ? शी वॉज इन टीयर्स, रोने लगी वो, और वो कहने लगी कि अब कराची एयरपोर्ट आ रहा है, मैं तो अब आप तो उतर जाएंगे, आपको यहाँ से फ्लाइट चेंज करनी है, अब मेरे पास तो 4-5 सवाल और भी हैं, आपके इस सवाल ने तो मुझे मिसमराइज कर दिया आपके जवाब ने, मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ कि पर्दे के बारे में, बट वॉट अबाउट माई अदर क्वेश्चंस। मैंने कहा देखो मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे पास अपना कोई फ़ोन भी नहीं है, मैं हॉस्टल के चीफ वार्डन के ऑफिस का नंबर देता हूँ, आप महीने में 1-2 बार मुझे कॉल करना, अगर मैं मिल सकूँगा तो मिलूँगा, जवाब दूँगा। और अगले 7 महीने तक वो मुझे हर महीने 1-2 सवाल करती रही और मैं अपनी इल्म के मुताबिक जवाब देने की कोशिश करता रहा, और चूँकि मैं मदीने में था तो जवाब देने से ज़्यादा मैं मस्जिद नबवी में उसके लिए हिदायत की दुआ करता था। 27वीं रमज़ान की तारीखी रात थी, वहाँ रात थी और मदीने में दिन था, जुमे का दिन था। उसने मुझे फ़ोन किया, उसने कहा मौलाना मैंने इस वक्त कोई सवाल करने के लिए फ़ोन नहीं किया है, आई वॉन्ट टू गिव यू अ वेरी हैप्पी न्यूज़ राइट नाउ, मैं शिकागो की इस्लामिक सेंटर में बैठी हूँ और मैंने अभी मोहम्मद मुस्तफ़ा का दामन थामा है। तुम्हारे पास है लड़कियों ये चांस है कि अपनी नॉन मुस्लिम क्लासमेट्स, रूममेट्स, हॉस्टल मेट्स, अपनी नेबर्स, अपनी सोसाइटी और मोहल्ले में रहने वाली नॉन मुस्लिम लड़कियों से दोस्तियाँ बढ़ाओ और उनसे कहो कि प्लीज़ लेट अस अंडरस्टैंड, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं भाई, हम लोगों को एक आपस में डिबेट करना चाहिए, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज करना चाहिए, हम लोग लड़के हो रहे हैं, वी आर सिविलाइज्ड पीपल, आइए हम लोग बात करें, आप समझिए हमारे हिजाब को, आप समझिए हमारे पर्दे को। मैं इस घर में रहता हूँ, यहाँ मेरी बेटी भी मौजूद है, मेरी बहू भी मौजूद है, उस वो पूरा घर नॉन मुस्लिम सोसाइटी का है, 99% लेबर्स हिंदू हैं और अपर कास्ट के हैं, और मैं अपनी बेटी और बहू के सामने ये बात कह रहा हूँ कि वहाँ की पड़ोस की हमारी नॉन मुस्लिम लड़कियाँ, ब्राह्मण घरानों की लड़कियाँ
वो इन बच्चियों से आती हैं और कहती हैं हमारे सर पे स्कार्फ बांध दीजिए, आप लोग बड़ी सुंदर लगती हैं। ये सुंदरता मोहम्मद मुस्तफ़ा की सुन्नत की है, ये खूबसूरती मिल्लत इब्राहिमी और शरीयत मुहम्मदी का हुस्न है, और इससे तुम्हारे दिलों को सुकून रहेगा, उससे तुम्हारे दामन पाकीज़ा रहेंगे, उससे तुम्हारे ख्यालात मुंतशिर नहीं होंगे, उससे तुम माहौल की गंदगी से मुतासिर भी नहीं होगी।